हम लोग चाहते हैं कि सभी विभाग का कंबाइंड वैकेंसी जल्द से जल्द सरकार निकाले, अन्यथा हम लोग आने वाले चुनाव में इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से पुल पुलिया गिर रही है, उसी तरह से हम लोग बिहार सरकार को गिरा के सरकार को गिरा देंगे। हम लोग इंजीनियर में इतनी ताकत है। बिहार सरकार क्या बताना चाहती है कि आप कितना पढ़ लीजिए, 400 मार्क्स का एग्जाम लेते हैं वो जो कैलकुलेटिव होते हैं, 200 मार्क्स का तो वो ऐसे ही क्वालिफाइंग है। तो बताइए, यदि बच्चा 400 मार्क्स एग्जाम दे और 306 मार्क्स लाए तो भी वो जॉब से बाहर हो जाता है। और भाई साहब ये देखिए, 194 मार्क्स के साथ वो टॉपर बन गया हुआ है। पढ़ाई से कॉन्ट्रेक्चुअल जो वैकेंसी आई है गेट के थ्रू, उससे क्या हो रहा है कि हम लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, बीपीएससी ओरिएंटेड, और गेट और बीपीएससी का सिलेबस दोनों बहुत डिफरेंट है। इसके वजह से हम लोग एक बार में एक ही एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि वो चीज़ हट जाए और गेट के थ्रू हट जाए और परमानेंट वैकेंसी आ जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में, आपके साथ संजीव सिंह। जो अपनी मांगों को लेकर के पूरे बिहार से जो है सहायक अभियंता पटना के गांधी मैदान पहुंचे हैं और गांधी मूर्ति के नीचे जो है ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्या कुछ मांगे हैं तमाम जो सहायक इंजीनियर है उनकी सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ मांगे हैं। कहाँ से आए हैं सर? मैं सहरसा से आया हूँ, मेरा नाम शिवचंद कुमार है। कुछ मांगे हैं सर? हम लोग बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के कैंडिडेट हैं। हम लोग सर 2017 के बाद अभी तक कंबाइंड वैकेंसी नहीं है, और हम लोग को बार बार आश्वासन दिया जा रहा था कि आएगी आएगी, विगत 4-5 साल से तो बिल्कुल नहीं आई है। इसी सब को देखते हुए हम लोग को आज रोड पे आने पड़ा। हम लोग सर इंजीनियर है। इसको लेकर आप इससे पहले किसी से बातचीत की? जी, हम लोग विभाग में गए, विभाग द्वारा आश्वासन दिया जाता था कि आप लोग की आएगी वैकेंसी, आ रही, लेकिन सर बिल्कुल उस सब नहीं सुना जा रहा है। बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को इसी गांधी मैदान में, इसी गांधी जी के सामने वादा किया था कि हम लोग 10 लाख वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन सर खुद वो इंजीनियर हैं, लेकिन वो इंजीनियर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे सर हम लोग इंजीनियर बहुत परेशान हैं। क्या लग रहा है, इससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है सर बहुत बड़ा। आजकल देख रहे हैं कि विगत 1-2 महीना में इतने हो गए कि पुल पुलिया गिर रही है, लेकिन उस पर सरकार की कितनी बदनामी हो रही है हमारे बिहार की, पूरे देश में, देश नहीं पूरे वर्ल्ड में बदनामी हो रही कि पुल पुलिया जो गिर रही है, बनने से पहले गिर जा रही है। इसका मेन कारण है कि हमारे विभाग में, सभी विभाग में 4500 इंजीनियर की रिक्तियां हैं, लेकिन उसमें 2500 खाली है, लेकिन वो सरकार वैकेंसी दे नहीं रही है। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सभी विभाग का कंबाइंड वैकेंसी जल्द से जल्द सरकार निकाले, अन्यथा हम लोग आने वाले चुनाव में इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से पुल पुलिया गिर रही है, उसी तरह से हम लोग बिहार सरकार को गिरा के सरकार को गिरा देंगे। हम लोग इंजीनियर में इतनी ताकत है। अच्छा। जी, क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम ऋषिकांत हुआ जी। मेरा यही बिहार सरकार से डिमांड है, माननीय इंजीनियर साहब नीतीश कुमार से, कि जो संविदा पे जो 231 पोस्ट पे जो पोस्ट आया है ग्रामीण का विभाग से, उनका एक्सक्यूज है कि हमें जल्दी में इंजीनियर चाहिए, लेकिन ये तो एक्सक्यूज है। बीपीएससी जो है एग्जाम लेने के लिए तैयार है, बट वो जो है कब लाएगा इसे कोई सूचना नहीं है, क्योंकि यदि बहाली कर भी लेता है तो वो लंबा खींचेगा, क्योंकि बिहार है, बिहार में कॉन्ट्रैक्ट मतलब लंबा खींच के पुराने ठीक कर देता है उसको लगभग में। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि संविदा पे ये जो आया है वैकेंसी उसको रद्द कर दिया जाए, और इसके जो आने वाला जो पीएचडी का जो एग्जाम होने वाला था जो जिस नवंबर तक ले गया है, उसमें इसे कंबाइंड कर दिया जाए, और एक जो है उसमें उसके थ्रू जो है बीपीएससी के थ्रू जो है परमानेंट बहाली किया जाए। हमसे बिहार सरकार से यही हमारी उम्मीद है। हमारा एक ही कहना है बिहार सरकार से कि बिहार में नीतीश कुमार जी खुद इंजीनियर हैं, और वो जब स्टूडेंट थे तो वो खुद आंदोलन किए थे कि संविदा पर बहाली नहीं होना चाहिए, और वो खुद संविदा पे आजकल बहाली कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले 10 तारीख को ही ग्रामीण कार्य विभाग से कैबिनेट का प्रस्ताव आया था कि 231 सहायक अभियंता की आउटसोर्सिंग के थ्रू बहाली होगी। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर क्वालिटी इंजीनियर चाहिए तो बिहार में संवैधानिक संस्था है जिसका नाम बिहार लोक सेवा आयोग है, जो अभी पूरे देश में मिसाल बनाया है, 2 लाख टीचर का बहाली करके 2 महीने में कम्प्लीट किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि जब इतनी फास्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी है बिहार सरकार के पास, तो बीपीएससी के थ्रू ही सहायक अभियंता की बहाली हो, और लास्ट बहाली जो थी वो 2017 में आई थी। 7-8 साल हो गए हम इंजीनियर्स लोग डिग्री लेकर के दर दर भटक रहे हैं। तो हम लोग का एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि रिक्रूटमेंट जो हो कम्बाइंड बहाली आए और बीपीएससी के थ्रू आए और परमानेंट बहाली हो। क्या लग रहा है, कम्बाइंड बहाली नहीं आ? जी जी, जब सरकार भेजे, सरकार की जब मंशा होगी तो ज़रूर बहाली होगी। क्या ये सर, ये देखिए परिणाम ये है कि 194 मार्क्स जो लाने वाले मनोज कुमार है वो टॉपर बन गया, और ये देखिए यहाँ पे 306 नंबर वाले जो है फेल हो जाते हैं। परिणाम ये, जी हाँ, तो आप बिहार सरकार क्या बताना चाहती है कि आप कितना पढ़ लीजिए, 400 मार्क्स का एग्जाम लेते हैं वो जो
कैलकुलेटिव होते हैं, 200 मार्क्स का तो वो ऐसे ही क्वालिफाइंग है। तो बताइए यदि बच्चा 400 मार्क्स का एग्ज़ाम दे और 306 मार्क्स लाए तो भी वो जॉब से बाहर हो जाता है। और भाई साहब ये देखिए 194 मार्क्स के साथ वो टॉपर बन गया हुआ है। तो बिहार सरकार को मेरिट स्टूडेंट नहीं चाहिए, उसे चाहिए कि जस तस हो जाए और पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, पूरा गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं। 2017 के बाद कंबाइंड वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि कंबाइंड वैकेंसी आया जाए और 25% वेटेज जो है वो भी हटाया जाए। और उसके बाद क्या है कि बहुत सारे संविदा पे कर्मी पे अभी जैसे गेट के थ्रू हो रहा है तो उसको भी रोका जाए, तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कंबाइंड वैकेंसी रिलीज किया जाए। हर डिपार्टमेंट में किए हुए हैं, सचिव से भी मिले थे हम लोग, मेल भी बहुत कर रहे हैं, आश्वासन उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, मेल फॉरवर्ड हो रहा है, बस यही हो रहा है। सर हम लोग का कहना है कि अभी जो रूरल वर्क डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है 231, उसको कैंसिल कर दिया जाए और बीपीएससी एई के थ्रू ही परमानेंट वैकेंसी लाया जाए और जो कॉन्ट्रेक्चुअल इम्प्लाई को जो वेटेज मिलता है 400 में 134 नंबर उसको हटाया जाए और सभी को इक्वल मौका दिया जाए ताकि फ्रेशर लोग भी इसमें सक्सेस ले सके। नहीं तो क्या होता है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल पे है उनका केवल मतलब सफलता मिलता है और फ्रेशर को नहीं मिलता है। और तीसरा ये है कि कंबाइंड वैकेंसी लाया जाए। हम दरभंगा से आए हैं, हम चाह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो बहाली हो रही है वो खत्म होनी चाहिए बस। तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान हो यही हो रहा है कि हम लोग का जो पढ़ाई होता है वो नुकसान हो रहा है। क्या कहेंगे आप? पढ़ाई से कॉन्ट्रेक्चुअल जो वैकेंसी आई है गेट के थ्रू उससे क्या हो रहा है कि हम लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, बीपीएससी ओरिएंटेड, और गेट और बीपीएससी का सिलेबस दोनों बहुत डिफरेंट है। इसके वजह से हम लोग एक एग्जाम में एक बार में एक ही एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि वो चीज़ हट जाए और गेट के थ्रू हट जाए और परमानेंट वैकेंसी आ जाए। हम लोग का देखिए सर, हम लोग का मेजर दो ही डिमांड है मेजर। पहला डिमांड ये है कि कंबाइंड वैकेंसी आना चाहिए और दूसरा बात यही है कि जो संविदा पर जो बहाली हो रही है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, 25% का जो वेटेज है उसको ख़त्म करना चाहिए। जी चलिए, तो देखिए तमाम जो सहायक अभियंता है वो पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास पहुँचे हुए और कह रहे हैं कि संविदा के आधार पर जो वैकेंसी आ रही है उसको ख़त्म करना चाहिए। और ये लोग का साफ साफ मांग है कंबाइंड वैकेंसी होना चाहिए, 2017 के बाद कंबाइंड वैकेंसी नहीं आया है इसका आरोप ये लोग लगा रहे हैं। और साथ साथ क्या कुछ मांग था तमाम मसले पर हमने बातचीत क्या कुछ कर रहे थे आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार।